जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल लाइव फार्मिंग में। पहले आप देख लीजिए हमारा मुर्गा प्योर देसी, दिखाइए जूम कर लीजिए, जूम करो मामू। ये देखिए देसी मुर्गा, इसको बोलते हैं प्योर देसी मुर्गा। किसी का मुर्गा उड़ता होगा नहीं, वीडियो में सबसे पहले देख सकते हैं आपकी प्योर देसी मुर्गा, इसको बोलते हैं हमारे पास। ये प्योर देसी पैरेंट ब्रीड रेडी है, प्योर देसी, जो कि सभी की आप टांग देख सकते हैं, सभी का वजन देख सकते हैं, वेट देख सकते हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्योर देसी ब्रीड बोलते किसे हैं। लोग बहुत सारे लोग दिखाते हैं कि प्योर देसी है, देसी है, देसी, भाई वो देसी नहीं होता। देसी मुर्गा मैक्सिमम 1.5 kg मुर्गी, मैक्सिमम 1 kg, ज़्यादा प्लस किसी का वेट नहीं जाएगा बॉडी। आप देखते होंगे शहरों में बेचते हैं लोग 5 kg का मुर्गा, 4 kg का मुर्गा, तो भाई वो मुर्गा नहीं होता, वो क्रायलर मतलब ब्रॉयलर होता है रंगीन, वो देसी नहीं होता। आप देसी देख सकते हैं, आप मेरी मुर्गियाँ देख लीजिए, सब अंडे दे रहे हैं और इनका वेट देख सकते हैं बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम उड़ेगी अगर मुर्गी तो 1 kg, उससे ज़्यादा प्लस कोई भी नहीं जाएगी। तो ये होती है प्योर देसी। आप जैसा कि जो फार्मिंग करना चाहता है प्योर देसी मुर्गियों मुर्गों के साथ, वो हमसे संपर्क करे, हमसे बच्चे ले और पाले, फिर देख सकते देखे उसका रिजल्ट कि किस तरीके से कमाई करता है वो देसी फार्मिंग के साथ। आप देख सकते हैं देसी फार्मिंग, आप ये 90 दिन में आपके पास इस तरह पट्ठा के पट्ठा मुर्गा और मुर्गियाँ तैयार हो जाएंगी। आप अगर बेचना चाहते हैं तो आप इसको कहीं भी दुनिया में ले जाएंगे तो देसी मुर्गा गिरी से गिरी हालत में 500 का तो बिकेगा ही बिकेगा, इससे कम का तो नहीं बिकेगा। आप खुद कहीं समझ लीजिए चिराग लेके ढूंढिए तो नहीं मिलेगा आपको खाने के लिए देसी मुर्गा 500 में भी। तो यदि आप पालेंगे तो 500 रुपये में तो आसानी से बिक ही जाएगा, और आप मान सकते हैं 30 दिन में कितना खाएगा मैक्सिमम ये फीड, बहुत ज़्यादा अगर मैक्सिमम खाएगा तो 5 to 6 kg। आप फीडिंग मत कराइए, नॉर्मल तरीके से भी घुमाइए और फीडिंग भी कराइए अच्छी से अच्छी, जितना अच्छा करा सकते हैं, क्योंकि जब आप इससे रनिंग करेंगे तो आप इसको खिलाइए भी। तो 90 दिन में खिला पिला के आप इसको तैयार करके 500-600 इस तरीके से आसानी से मुर्गियाँ बेच सकते हैं। जो भाई लोग ब्रॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं 10,000-20,000 पालते तो उसे ना पाल के 2,000-1,000 हमारी देसी मुर्गियाँ पालें, अगर उसके बराबर 10,000 के बराबर रिजल्ट ना पाए, नफ़ा ना पाए, तो बताइएगा, आप खुद ही जोड़ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि एक देसी मुर्गा आसानी से बिक सकता है कि नहीं बिक सकता। कितनी अच्छी मार्केट है, कहीं भी दुनिया में एक गली में आप घूम जाएंगे तो वहाँ आदमी लेके खा लेंगे, इतनी ज़्यादा खाने वाले हैं शहरों में, हर जगह शहरों में बेचते हैं लोग क्रायलर को जो है बता के देसी बेच लेते हैं, तो वो सब गलत बात है। आप मेरा देसी मुर्गा देखिए, मेरी मुर्गियाँ देखिए, फिर उसके बाद आप अनुमान लगाइए कि देसी मुर्गा मुर्गी होती क्या है और उसकी क्वालिटी क्या होती है, प्योर देसी क्वालिटी क्या होती है। मतलब ये जो हमारी ब्रीड है प्योर देसी मुर्गी, आप इसको ले सकते हैं, इसके बच्चे हमारे पास परमानेंट अवेलेबल रहते हैं, जब भी चाहिए ले सकते हैं। और यदि कोई एडल्ट यानी कि रेडी मुर्गी मुर्गा भी लेना चाहता है तो वो भी संपर्क कर हमारे पास होता है, उसको भी हम वो भी दे देंगे, अपना ले जाए, लिंक कराए, उससे अपना कारोबार बढ़ाए और अच्छी अच्छी आय का स्रोत बना सके। फार्मिंग में जैसे कि लोग नुकसान खाए हुए हैं ब्रॉयलर वगैरह में, और बहुत सारा ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो आप लोग इस मुर्गी के साथ फार्मिंग करें, प्योर देसी के साथ फार्मिंग करें, इसकी लिंग करवाएं। लिंग में भी अगर आप करवाते हैं उसमें भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। आप अगर लिंग करवाते हैं तो गिरी से गिरी हालत में 1 अंडा आपका 8 रुपये का तो आसानी से बिक सकता है, उसमें तो कोई दाग ही नहीं है, तो आप देसी मुर्गी पाल सकते हैं। कितनी कॉस्टिंग आएगी मैक्सिमम? और जैसे कि ये देखिए सिल्की मुर्गी हमारे पास, ये भी सिल्की मुर्गियाँ भी हैं, जैसे कोई लेना चाहता है इनके बच्चे जो खूबसूरती के लिए आप इसको पाल सकते हैं सिल्की मुर्गी, तो आप इसको सिल्की पालिए, इसके बच्चे भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और ये देखिए प्योर देसी मुर्गा आप देख सकते हैं हमारा, इसको बोलते हैं प्योर देसी मुर्गा, ये होता है प्योर देसी मुर्गा। आप इसको वजन में अभी तो नहीं तोल सकता, वरना मैं कांटे पर तोल के दिखा सकता हूँ कि मैक्सिमम 1.5 kg। और टांग इसकी देखिए, कोई मोटी टांग नहीं होगी, पतली पतली सी टांग होगी, और कलरफुल होगा, खूबसूरत सा मुर्गा होगा, तब वो प्योर देसी होता है। और नीचे देखिए सब मुर्गियाँ हैं जो फीमेल्स हैं, आप उनके वेट देख सकते हैं कि कितना है वेट, बहुत मैक्सिमम 1 kg, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये होता है प्योर देसी की पहचान। और इसके साथ फार्मिंग करें हम लोग बात करें इसके अंडे की लेइंग के सिस्टम के बारे में, तो लेइंग के ये सिस्टम होता है, इसका आप इसको कराइए तो 8 रुपये का आपका अंडा आसानी से बिकेगा, कहीं भी बिकेगा। और कम जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फीडिंग कराएंगे, अच्छी खासी फीडिंग कराएंगे तो 2.5 रुपये मैक्सिमम फीडिंग कास्ट आएगी। तो इस तरीके से आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं मुर्गियों के साथ भी। और जानकारी वीडियो देखते रहिए। ये अभी तक श्याम बता रहा था देसी मुर्गियों के बारे में, ये बात सत्य है कि इससे अच्छा, बहुत अच्छा लाभ इससे भी है कि देसी मुर्गियाँ इस तरह फ्री दौड़ से हैं कि इनको अपना ब्रॉयलर की अपेक्षा बहुत इसमें मेंटेनेंस नहीं है, इसको अपना थोड़ा सा 2-4 दिन देखभाल अच्छा करना पड़ता है ब्रूडिंग के तौर पे, फिर इसको छोड़ दीजिए आप इसको खुले में चरने के लिए, तो अपना चारा आहार खुद ही हेर लेती है। और इसको ज़्यादा फीडिंग अगर आपके पास खिलाने पिलाने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है तो भी इसको आप चरा करके भी इससे अंडे ले सकते हैं।
सबसे अहम पॉइंट तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये प्रजनन का जब टाइम आता है अंडा लेइंग करती है, अपना अंडा सेती भी है, अंडा से अपना बच्चा भी निकाल लेती है। सबसे अहम चीज़ तो ये है, जो कि अभी ज़्यादातर अभी तक हमने देखा कि लोग गांव में जो मुर्गियां पाले हैं, लोग देसी मुर्गी कह के उनको बेचते रहते हैं, वो मुर्गियां 2-2.5 किलो के वज़न के हो जाते हैं, लेकिन अंडे का प्रोडक्शन उनका बहुत कम होता है। दूसरी बात, अंडा निकलता भी तो वो बच्चे अंडा से बच्चा कभी नहीं निकालती, तो इस तरह वो बर्ड पालना हमारे लिए मुनासिब नहीं है। गाँव में खुद सेल्फ डिपेंड रही है, दूसरे के ऊपर आश्रित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंडा निकलता है उससे बच्चा भी निकाल लीजिए इन्हीं मुर्गियों से, तो इस तरह आपका विकास और अच्छा आसानी से होता चला जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग देसी मुर्गी का पालन चलन बढ़ाएं गांव में, और हम सेल्फ डिपेंड बने। हम दूसरे के ऊपर जो आश्रित बैठे हुए हैं कि ब्रॉयलर मुर्गा मुर्गी अंडा ये सब चीज़ों से बचें, अच्छा से अच्छा काम करें जिससे हमारा विकास अच्छा हो और तरह तरह की बीमारियों से बचें और हाई प्रोटीन हमको मिले देसी चीज़ों से, तो जिससे हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता रहेगा, हम लोग स्वस्थ ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो लिहाजा इससे हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग गांव में एक चलन बना लीजिए कि हर घर में देसी मुर्गी पालिए, इससे बढ़िया स्वस्थ अंडा लीजिए, खाइए, हाई प्रोटीन का बढ़िया घर में एक मानक है। हम आप देहात में रह करके हमें तमाम चीज़ हाई प्रोटीन लेवल की नहीं मिल पाती, तो कम से कम मुर्गियों के अंडे से प्रोटीन वाला सामान खा पी के हम अपना शरीर फिट रख सकें, इसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और ये मुर्गी हमारे यहाँ देसी ऐसी मुर्गियाँ हैं कि इनको आप खुले में डाल दीजिए तो इसको आप पकड़ नहीं सकते, इतनी तेज़ हैं, 20 फीट तक फ्लाइंग कर जाती हैं। तो इस तरह आप एक बार इसको अगर बाहर छोड़ दें, इसको कुत्ता बिल्ली भी अगर चतुराई से अगर ना पकड़ें, सामने आकर के हमला करें, तो ये उड़ जाती है, इनको पकड़ भी नहीं सकता। लिहाजा ये मुर्गी बहुत ही अच्छी है, और उन मुर्गियों की अपेक्षा जो गांव में लोग गांव में बेचते हैं जाकर के ब्रॉयलर, रंगीन ब्रॉयलर क्रॉयलर उसको बोलते हैं। ये देखिए मुर्गों की फाइटिंग देखिए, ओरिजिनल मुर्गा देसी की यही पहचान, वो फाइटिंग बहुत ज़बरदस्त करते हैं, इनकी सिंबल है ये। और वो जो गाँव में पाए जाते हैं ये बड़े बड़े, वो तो समझ लीजिए ब्रॉयलर है ही हैं, वो कभी फाइटिंग करते हुए आप उनको नहीं देखोगे। उनको एक छोटा सा बच्चा जो है, छोटा सा बच्चा 2 साल का बच्चा भी हाथ से चाय पकड़ ले तो भाग नहीं पाते, और इनको आप यंग बॉडी होकर के इनको छोड़ दिया जाए, किसी को कोई पकड़ के दिखा दो तो कोई पकड़ नहीं सकता। इस तरह देसी मुर्गी का एक बहुत अच्छा अब लाइन चल गया है, लोगों को पालने में बहुत अच्छा काम है ये। ठीक, चलिए भाई साहब, हाँ, इसका बच्चा लेने के लिए आप मुझसे संपर्क करिए, हम आपको बच्चा बहुत ही अच्छा स्वस्थ बच्चा प्रोवाइड करेंगे, और जिससे आप भी आगे बढ़िए, आपके पास भी बढ़िया ब्रीड पहुंच जाए, फिर बार बार लेने की भी झंझट से छुटकारा पा जाओगे। एक बार बच्चा ले लिया, वो बड़ा होगा, उसको पालिए पोसिए, और बड़ा होने के बाद वो अंडा जो निकलेगा उनसे, उन अंडों से बच्चे खुद ही निकाल लेंगी वो मुर्गियाँ। तो इस तरह आप मुझसे संपर्क करिए, आप बढ़िया से बढ़िया ब्रीड लेने के लिए मुझसे संपर्क करिए। हम अपना नंबर अभी डाल देते हैं, उस नंबर पे आप संपर्क करिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमने आपको बहुत सारी जानकारियाँ बताई, छोटी छोटी जानकारियाँ दी, और देसी मुर्गी का इसको बढ़ाइए आप लोग, और बहुत सारी चीज़ें अच्छी से अच्छी करने की कोशिश करिए। देखिए सारी मुर्गियाँ निकल के उधर चली गई दाने के साइड में, हम आपको ये भी दिखा दे रहे हैं। और आप लोग अगर हमारे वीडियो पसंद आई हो, मेरी द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो, तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर कोई गलती हो सर तो सब लोग माफ़ करिए, ठीक है सर। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।